भाषण के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का माइक बंद हुआ। मुख्यमंत्री को कुछ देर इंतजार करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर बिजली अधिकारी की लापरवाही हुई तो सस्पेंड किया जाए, लेकिन बाद में माइक बंद होने का कारण साउंड चालक की गलती निकली। मुख्यमंत्री ने कहा, साउंड वाले की 10% पेमेंट कट की जाए। उन्होंने कहा, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इस इलाके का जो भी जिम्मेवार बिजली बोर्ड का अधिकारी होगा, अगर किसी लापरवाही से गई होगी तो अभी सस्पेंड। लाइट थी और माइक वाले को जितना पैसा मिलेगा 10% काट के देना, सजा मिलेगी ना। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा कभी भी, ये अपना सिद्धांत है। और निर्दोष को तंग किया नहीं जाएगा। तो मित्रों, भाषण के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का माइक बंद हुआ। मुख्यमंत्री को कुछ देर इंतजार करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर बिजली अधिकारी की लापरवाही हुई तो सस्पेंड किया जाए, लेकिन बाद में माइक बंद होने का कारण साउंड चालक की गलती निकली। मुख्यमंत्री ने कहा, साउंड वाले की 10% पेमेंट कट की जाए। उन्होंने कहा, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इस इलाके का जो भी जिम्मेवार बिजली बोर्ड का अधिकारी होगा, अगर किसी लापरवाही से गई होगी तो अभी सस्पेंड। लाइट थी और माइक वाले को जितना पैसा मिलेगा 10% काट के देना, सजा मिलेगी ना। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा कभी भी, ये अपना सिद्धांत है। और निर्दोष को तंग किया नहीं जाएगा। तो मित्रों, भाषण के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का माइक बंद हुआ। मुख्यमंत्री को कुछ देर इंतजार करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर बिजली अधिकारी की लापरवाही हुई तो सस्पेंड किया जाए, लेकिन बाद में माइक बंद होने का कारण साउंड चालक की गलती निकली। मुख्यमंत्री ने कहा, साउंड वाले की 10% पेमेंट कट की जाए। उन्होंने कहा, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इस इलाके का जो भी जिम्मेवार बिजली बोर्ड का अधिकारी होगा, अगर किसी लापरवाही से गई होगी तो अभी सस्पेंड। लाइट थी और माइक वाले को जितना पैसा मिलेगा 10% काट के देना, सजा मिलेगी ना। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा कभी भी, ये अपना सिद्धांत है। और निर्दोष को तंग किया नहीं जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।